हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुभ्रास बायोलॉजी। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन पढ़ रहे हैं एंड द माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन वी आर रीडिंग द स्पेक्ट्रोलॉजी। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कल्चर मीडिया के बारे में। तो कल्चर मीडिया में हम लोगों ने क्या देखा था, व्हाट इज कल्चर मीडिया, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर मीडिया एंड फाइनली व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कल्चर मीडिया। तो थोड़ा सा समराइज कर लेती हूँ क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ कल्चर मीडिया। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, तो ये सारे मीडिया डिवाइड हुए हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा समराइज कर देते हैं कि कल्चर मीडिया क्या होता है। तो कल्चर मीडिया एक कंडीशन होता है जहाँ पे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करते हैं, आर्टिफिशियल वो ग्रो करते हैं ताकि हम लोग इन्फेक्शन में कौन सा पॉजिटिव एजेंट है उसको पता कर सकें। क्योंकि हम लोग जो सैंपल्स लाते हैं कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन कुछ हुआ है वहाँ से हम लोग सैंपल लाते हैं उसको वो जो कल्चर मीडिया में हम लोग इनोकुलेट करते हैं। इनोकुलेट वर्ड का मीनिंग भी मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी, इट मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन टू द कल्चर मीडिया, राइट। तो हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करते हैं वो जो सैंपल को, उसके बाद एक दिन 24 आवर या फिर 48 आवर में उसका रिजल्ट निकलता है। उसके रिजल्ट में हम लोग देखते हैं कि कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हुआ है, तो उसी हिसाब से हम लोग एंटीबायोटिक देखते हैं या फिर ट्रीटमेंट करते हैं। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर मीडिया। एंड उसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ कल्चर मीडिया। तो कंपोजिशन यानी मतलब इट कंटेन्स पेप्टॉन, इट कंटेन्स मीट एक्सट्रैक्ट, इट कंटेन्स वाटर, इट कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल एज सीरम और ब्लड भी कंटेन करते हैं एंड फाइनली द सॉलिडिफाइंग एजेंट दैट इज द अगर, ठीक है। ये जो भी कुछ मैं बताई ये सब कुछ हम लोग लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज के वीडियो में जो नया सा टॉपिक मैं बोलने वाली हूँ, बट अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। एंड अगर आप लोग चाहो तो आपके सीनियर जूनियर फ्रेंड्स जो भी हमारे माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं उन सारे लोगों से शेयर कीजिए ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन जो है उसको भी दबा देना ताकि मैं जब भी एक नया सा अपडेट दूँ आप लोगों के पास जल्दी जाके पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो नया सा टॉपिक है, दैट इज़ द टाइप्स ऑफ मीडिया ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। तो यहाँ पे डिवाइड हुआ है मीडिया, फर्स्ट वन इज़ द सिंपल मीडिया, नेक्स्ट इज़ कम्प्लेक्स मीडिया, थर्ड इज़ सिंथेटिक मीडिया एंड फाइनली सबसे इम्पोर्टेंट दैट इज़ द स्पेशल मीडिया। हर जगह स्पेशल वर्ड की बहुत ही खासियत है, अहमियत है। तो ये जो स्पेशल मीडिया है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी पे, तो इसका पूरा डिटेल्स मैं आज बताने वाली हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सिंपल मीडिया होता है नाम से ही पता चलता है कि ये सबसे सिंपल है। इट कंटेन्स पेप्टन वाटर एंड 1% मीट एक्सट्रैक्ट, राइट। तो ये जो सिंपल मीडियम है इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है न्यूट्रिएंट ब्रोथ, ठीक है। तो आप लोग उसको मतलब माइक्रोबायोलॉजी सेक्शन में अगर आप लोग गए होगे तो आप लोगों को पता होगा ब्रोथ क्या होता है। तो इट कंटेन्स पेप्टन वाटर प्लस 1% मीट एक्सट्रैक्ट, राइट। तो इसके साथ साथ हम लोग अगर 2-3% अगर इसमें ऐड कर देंगे, क्योंकि अगर एक्ट्स एज अ सॉलिडिफाइंग एजेंट, तो इस ये बन जाएगा हमारा न्यूट्रिएंट अगर। सो दिस इज द बेसल मीडियम और द सिंपल मीडिया, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट अगर हो गया और उसके बाद आप लोगों का न्यूट्रिएंट ब्रोथ हो गया। अगर ग्लूकोज आप लोग ऐड कर लोगे न्यूट्रिएंट ब्रोथ में तो वो बन जाएगा ग्लूकोज ब्रोथ, कितना ईजी है ना, राइट। तो ये होता है आप लोगों का सिंपल मीडियम, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है न्यूट्रिएंट ब्रोथ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कम्प्लेक्स मीडियम क्या होता है या फिर कम्प्लेक्स मीडिया क्या होता है। तो कम्प्लेक्स मीडिया यानी जो चीज़ सिंपल नहीं है दैट इज़ कॉल्ड इज कम्प्लेक्स, जो इतने आसानी से हमें नहीं मिलता दैट इज़ कॉल्ड इज कम्प्लेक्स, राइट। तो कम्प्लेक्स मीडिया में आप लोगों का क्या होता है ना, इट हैज सम एडेड इन्ग्रेडियंट्स सो दैट पर्टिकुलर बैक्टीरियम कैन ग्रो इन दिस मीडियम। सो ऑल मीडिया अदर देन सिंपल मीडिया इज कॉल्ड एज कम्प्लेक्स मीडिया। दिस इज़ वेरी सिंपल गाइज, ठीक है। तो आप लोग इसमें लिख सकते हो कि कम्प्लेक्स मीडिया क्या होता है, कि कम्प्लेक्स मीडिया हैव एडेड इनग्रेडियंट्स सो दैट पर्टिकुलर बैक्टीरियम कैन ग्रो इजीली, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सिंथेटिक मीडिया के पास। तो सिंथेटिक मीडिया क्या होता है, तो जैसे कि सिंथेटिक कपड़ा होता है, सिंथेटिक ड्रेस होता है, वैसे ही सिंथेटिक मीडिया भी। सो दिस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्योर केमिकल्स एंड द एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ द मीडियम इज नोन। हम लोगों को पता होता है कि कौन सा इंग्रेडिएंट कितना अमाउंट में कितना परसेंटेज में दिया जा रहा है, ठीक है। तो सिंथेटिक ड्रेसेस जैसे होता है ना, मैं जैसे कि बोल रही थी उसी हिसाब से सिंथेटिक मीडिया में क्या क्या केमिकल्स होते हैं, कितने परसेंटेज में होता है, वो सब कुछ हमें पता होता है, राइट। तो ये जो हमारा सिंथेटिक मीडिया होता है इसका यूज अगर आप लोगों को क्वेश्चन में आ गया है तो आप लोग क्या लिखोगे, तो इसका यूज यही है, इट इज़ यूज फॉर स्पेशल स्टडीज फॉर मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो इसका यूज़ यही है। एंड अगर आप लोगों को एग्जांपल पूछा गया तो आप लोग लिख सकते हो कि डुबोज मीडियम विथ ट्विन 80। तो ये कितना सिंपल है, राइट। तो ये सारा मीडियम जो सिंपल है, कम्प्लेक्स है, सिंथेटिक है, हम लोगों ने ये तीन को पढ़ लिया है एंड फाइनली द स्पेशल वन को हम लोग पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ द स्पेशल मीडिया। तो स्पेशल मीडिया क्या होता है,
जो चीज स्पेशल होता है इसके अंदर में ये भी सब कैटेगराइज हुआ है कुछ मीडिया में, दैट इज कॉल्ड एज एनरिच मीडिया, एनरिचमेंट मीडियम, सिलेक्टिव मीडिया, डिफरेंशियल मीडिया, सुगर मीडिया, ट्रांसपोर्ट मीडिया। तो ये सारा सब कुछ हम लोग इन डिटेल बात करेंगे, राइट। तो स्पेशल मीडिया में हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड, एनरिच्ड विथ व्हाट? न्यूट्रिएंट्स ऑब्वियसली। तो एनरिच मीडिया क्या होता है? व्हेन बेसल मीडियम इज एडेड विथ सम स्पेशल एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट्स, फॉर एग्जाम्पल ब्लड और सीरम, फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दिस मीडिया इज कॉल्ड एज एनरिच्ड मीडियम, राइट। तो इसका बेस्ट थिंग इज द एग्जाम्पल। तो चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है ब्लड। अगर तो जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं बोल रही थी न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐड हो रहा है ताकि ये एनरिच्ड मीडियम बन सके। तो फर्स्ट वन ब्लड इज एडेड विद द बेसल मीडिया, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड अगर। ब्लड अगर यहाँ पे एनरिच्ड मीडियम का एक एग्जांपल है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है? फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि विच रिक्वायर्स ब्लड फॉर इट्स ग्रोथ। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये होता है चॉकलेट अगर। तो चॉकलेट अगर इज अ हीटेड ब्लड अगर, क्योंकि ये जो कैडबरी चॉकलेट नहीं है जो कि आप लोग खाते हो, तो ये है हीटेड ब्लड अगर, ठीक है। सो इट इज यूज्ड फॉर आइसोलेशन ऑफ नीजेरिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। तो ये दो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए हम लोग चॉकलेट अगर यूज करते हैं, जो कि अच्छा सा दिखता है इस कल्चर मीडिया में, ठीक है। एंड उसके बाद अगर आप लोगों को थर्ड एग्जाम्पल पूछा है तो थर्ड एग्जाम्पल भी मैं यहाँ पे बता रही हूँ, दैट इज द लोफ्लर सेरम स्लोप। तो यहाँ पे स्पेलिंग आप लोग देख रहे होंगे, तो लोफ्लर सेरम स्लोप जो होता है, दिस इज मतलब यहाँ पे सीरम ऐड हुआ है। जैसे कि आप लोगों ने बताई थी ब्लड इज एडेड विथ न्यूट्रिएंट अगर, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड अगर। सो व्हेन सीरम इज एडेड विथ द न्यूट्रिएंट अगर, दैट इज कॉल्ड एज लोफ्लर सीरम स्लोप, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना, पर्टिकुलरली कॉरिनोबैक्टेरियम डिफ्थेरिया ग्रुप को डिटेक्ट करने के लिए इसको हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि कॉरिनोबैक्टेरियम के बहुत सारे स्पीसीज है। मेनली कॉरिनोबैक्टेरियम डिफ्थेरी के ग्रुप को डिवाइड आइसोलेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, ये लोफ्लर सेरम स्लोप को यूज करते हैं। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जा सकता है, या फिर आप लोगों को इनडायरेक्टली भी कुछ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि कॉरिनोबैक्टेरियम डिप्थेरिया जो है उसको हम लोग कौन से मीडिया में उसको ग्रो करते हैं, फॉर द आइसोलेशन ऑफ कॉरिनोबैक्टेरियम डिप्थेरी व्हिच मीडिया इज यूज्ड, राइट। सो दिस मे बी द क्वेश्चन, सो यू हैव टू आंसर दैट लोफ्लर सेरम स्लोप। तो एनरिच मीडिया क्या होता है, हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया है। एंड नेक्स्ट इज द एनरिचमेंट मीडियम। तो आप लोग इस पर कन्फ्यूज़ हो सकते हो कि एनरिच मीडिया, एनरिचमेंट मीडिया। तो एक है एनरिच्ड, एक है एनरिचमेंट। तो एनरिचमेंट मीडिया जो होता है, दैट इज़ द लिक्विड मीडिया। तो ये बात पूरा आप लोगों के दिमाग में फिट कर लो, एनरिचमेंट मीडिया इज़ द लिक्विड मीडिया, राइट। तो डोंट गेट कन्फ्यूज विद दिस एनरिच मीडियम इन दिस एनरिचमेंट मीडियम, राइट। सो एनरिचमेंट मीडिया एक ऐसा लिक्विड मीडिया होता है, सो इट कंटेन्स सम एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स सो दैट इट हैज़ अ इफेक्ट ऑन द बैक्टीरिया टू बी ग्रोन एंड इनहिबिट्स इट्स कम्पिटेटर्स। इसके पास एक ऐसा मैजिक है, ऐसा कैपेसिटी है, सो दैट इट कैन इनहिबिट इट्स कम्पिटेटर्स एंड इट हेल्प्स टू ग्रो द ऑर्गेनिजम्स इट वॉन्ट टू ग्रो, राइट। तो ये होता है आप लोगों का एनरिचमेंट मीडिया। सो इसका रिजल्ट क्या होगा ना, इट मीन्स दिस रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज ऑफ वांटिंग बैक्टीरिया देन अनवांटेड बैक्टीरिया। क्यों? अगर किसी भी साइड से हम लोग सैंपल्स ले रहे हैं एंड इसको हम लोग ग्रो कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो सकता है ना, बहुत वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों को वी वांट दिस वन टाइप ऑफ स्पीसीज, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, एनरिचमेंट मीडियम यूज करते हैं, दिस इज द लिक्विड मीडिया, सो दैट द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म व्हिच वी वांट टू ग्रो, दे कैन ग्रो इजीली बाय इनहिबिटिंग इट्स कम्पिटेटर्स, राइट। तो इसका यूजफुलनेस बहुत है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा जो फीकल मैटर में क्या होता है ना, नॉर्मल कमेंसल्स होते हैं, नॉन पैथोजेनिक फैक्टर्स होते हैं, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होता है। तो वहाँ पे क्या होता है ना, जो हम लोग चाहते हैं कि ये बैक्टीरिया ग्रो होना चाहिए, एटलीस्ट है कि नहीं, हम लोग कॉजेटिव एजेंट जानना चाहते हैं, तो नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड कमेंसल्स दे ओवर ग्रो, ठीक है। तो इसके लिए ये जो मतलब एनरिचमेंट मीडिया है, ये बेस्ट है फीकल मैटर के लिए, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया एज वेल एज द कमेंसल्स दे कैन नॉट ग्रो, राइट, सो दैट वी कैन डिटेक्ट विच बैक्टीरिया वी वांट टू ग्रो। इसका अगर आप लोगों को एग्जांपल्स पूछा जाए, तो आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट दैट टेट्राथायोनेट ब्रोथ। टेट्राथायोनेट ब्रोथ में क्या होता है ना, इट हैज़ द कैपेसिटी सो दैट इट कैन इनहिबिट कोलीफॉर्म्स एंड इट हेल्प्स टू ग्रो द साल्मोनेला टाइफी और पैराटाइफी। तो ये जो टेट्राथायोनेट ग्रोथ होता है, इट कंटेन्स टेट्राथायोनेट विच इनहिबिट्स कोलीफॉर्म्स एंड हेल्प्स और अलाउज टू ग्रो द टाइफॉइड और पैराटाइफॉइड बैसिलस। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सेलेनाइट एफ ब्रोथ। सेलेनाइट है ये भी, इसका भी टेट्राथायोनेट जैसा ही कुछ सिमिलर एक्शन है एंड इट इनहिबिट्स
and also it helps to grow the wanted bacteria. And the most important example is the alkaline peptone water. It helps to grow Vibrio cholerae. ये question आप लोगों को objective question में आएगा, मतलब ये question मैं बता रही हूँ, this is very much important question, ठीक है? तो आप लोगों को ऐसे पूछा जा सकता है कि Vibrio cholerae को grow करने के लिए हम कौन सा कल्चर मीडिया यूज करते हैं, एंड यू हैव टू राइट दैट अल्कलाइन पेप्टन वाटर, राइट? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको मतलब दिमाग में फिट कर लो, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट मीडिया. तो नेक्स्ट मीडिया में आप लोगों को मिलेगा सिलेक्टिव मीडिया. सिलेक्टिव मीडिया यानी अगर आप लोग ये वर्ड को डिफाइन करोगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है. तो मतलब यहाँ पे सिलेक्टेड ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो. सो दिस इज एज कम्पेयर टू, अगर आप लोग देखो कि एनरिच मीडियम जो होता है सेम एज दैट ऑफ द सिलेक्टिव मीडिया, बट डिफरेंस यही है कि एनरिचमेंट मीडिया जो है दैट इज लिक्विड एंड दिस इज सॉलिड, ठीक है? तो ये डिफरेंस आप लोगों को याद रखना चाहिए. एनरिचमेंट मीडिया इज अ लिक्विड मीडिया, वेयर एज सिलेक्टिव मीडिया इज अ सॉलिड मीडिया, बट इसका डेफिनेशन सेम है. ये भी सिलेक्टिव मीडिया जो है मतलब जहाँ पे मिक्स्ड फ्लोरा रहता है तो वहाँ पे क्या होगा ना, जो हम लोग पर्टिकुलर स्पीसीज को ग्रो करना चाहते हैं इट इनहिबिट्स इट कॉम्पिटिटर्स एंड हेल्प्स टू और अलाउज टू ग्रो द वांटेड बैक्टीरिया, राइट? तो फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, डीऑक्सीकोलेट साइट्रेट अगर, और अदरवाइज वी कैन से इट एज DCA. सो दिस एडिशन ऑफ डीऑक्सीकोलेट इन दिस अगर इट हेल्प्स टू अलाउ द ग्रोथ ऑफ एंटेरिक बैसिली, फॉर एग्जाम्पल सैल्मोनेला, सीजेला, ठीक है? ये भी मतलब जैसे कि आप लोगों को मैं बताई थी लास्ट एनरिचमेंट मीडियम में, ये भी सेम है. इट अलाउज द ग्रोथ ऑफ वांटेड बैक्टीरिया, राइट? DCA, डीऑक्सीकोलेट साइट्रेट अगर. ये क्वेश्चन भी आप लोगों को वन मार्क में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, ठीक है? कि मतलब साल्मोनेला, टाइफी या फिर सीजेला को आइसोलेट करने के लिए हम लोग कौन से मीडिया यूज करते हैं, एंड यू हैव टू राइट दैट DCA और द डीऑक्सीकोलेट साइट्रेट अगर, राइट? द नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज द बाइल सल्ट अगर. बाइल सल्ट अगर इट हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ Vibrio cholerae and inhibits other intestinal organisms, right? तो ये आप लोगों का bile salt अगर, ये भी बहुत ही important है. ये भी objective question में आता रहता है always ही कि मतलब Vibrio cholerae species को isolate करने के लिए हम कौन सा media use करते हैं. So that is called as bile salt अगर, right? चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारे next media क्या होता है. तो next media is the differential media. तो नाम से ही पता चलता है कि it helps to distinguish डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक जिसका होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टी जिसका होगा, ये इसको डिस्टिंग्विश करने में हेल्प करता है, दैट इज कॉल्ड एज डिफरेंशियल मीडिया. फॉर एग्जाम्पल मैकन की अगर और मैकन के मीडियम में क्या होता है ना, इट कंटेंस पेप्टॉन, इट कंटेंस अगर, इट कंटेंस लैक्टोज, इट कंटेंस टायरोगुलेट एंड इट कंटेंस न्यूट्रल रेड. तो यहाँ पे क्या होगा ना, जहाँ पे भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ रहेगा तो वहाँ पे LF कलोनी दिखेगा, मतलब लैक्टोज फॉर्मेंटर ऑर्गेनिजम्स विल सो पिंक कलर्ड कॉलोनीज, वेर एज लैक्टोज नॉन फॉर्मेंटिंग कॉलोनीज विल सो पेल कलर कॉलोनीज और कलरलेस कॉलोनीज. तो आप लोगों को इससे देख के पता चल जाएगा कि मतलब आप लोग डिस्टिंग्विश कर सकते हो विच वन इज द लैक्टोज फर्मेंटर एंड विच वन इज द नॉन लैक्टोज फर्मेंटर, राइट? सो बेस्ट एग्जाम्पल इज द मैकन की अगर. तो आप लोगों को अगर पूछा जाए कि एक डिफरेंशियल मीडिया का एग्जाम्पल बताइए तो आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो आराम से, दैट इज द मैकन की अगर, राइट? उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मतलब ये जो मीडिया में आप लोगों को डाउट रह सकता है, अगर आप लोगों को डाउट रह रहा है देन यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स. जल्दी से अपना लाइक बटन हिट कर दीजिए एंड चलते हैं हमारे नेक्स्ट मीडिया की तरफ. नेक्स्ट मीडिया ये है इंडिकेटर मीडिया. तो यहाँ पे मैं स्विच बोर्ड की इंडिकेटर की बात नहीं कर रही हूँ, इंडिकेटर इज ए मीडिया, राइट? जैसे कि करंट अगर रहता है हमारा स्विच बोर्ड में इंडिकेटर ऑन रहता है, तो इसीलिए इंडिकेटर मीडिया ऐसा है जहाँ पे हमारा ऑर्गेनिजम्स ग्रो होगा, इट विल शो इट्स कलर, इट विल चेंज इट्स कलर, सो दैट वी कैन डिटेक्ट दैट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ग्रोइंग इन दिस इंडिकेटर मीडिया. तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है, हम लोग ये जो डिफरेंशियल मीडिया में मैकन की अगर पढ़े वो भी तो कलर चेंज कर रहा था, एंड येस आप लोगों का जो थिंकिंग है वो सही है एंड आई अप्रिसिएट दैट. यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो ना, ये जो इंडिकेटर मीडिया का एग्जाम्पल भी आप लोग मैकन की अगर लिख सकते हो, विच चेंजेस इट्स कलर व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन दिस मीडिया, राइट? तो इसका आप लोग एग्जाम्पल मैकन की लिख सकते हो. सेकंड, विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम विच हेल्प्स टू ग्रो साल्मोनेला टाइफी, मतलब साल्मोनेला टाइफी अगर दिस विल्सन एंड ब्लेयर मीडियम में अगर ग्रो होता है तो इट चेंजेस इट्स कलर टू ब्लैक. तो ब्लैक कॉलोनी से अगर आप लोग देख रहे हो तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि साल्मोनेला कॉलोनी ग्रो हुआ है, राइट? सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंडिकेटर मीडिया. एंड नेक्स्ट मीडिया इज द ट्रांसपोर्ट मीडिया. तो नाम से ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि ट्रांसपोर्ट मीडिया यानी मीडिया विच हेल्प्स टू ट्रांसपोर्ट, क्योंकि हम लोग जब सैंपल से कहीं भी साइड से अगर हम लोग हॉस्पिटल लेके जाते हैं या फिर कहीं मतलब एक साइड से दूसरी साइड लेके जाते हैं तो मतलब ये यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑटोमेटिक कैन ग्रो. तो ट्रांसपोर्ट मीडिया एक ऐसा मीडिया होता है जहाँ पे अगर आप लोग इसके अंदर आप लोग अगर सैंपल को लेके जाओगे तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं होगा, तो ओरिजिनल कंडीशन में रहेगा. सो दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसपोर्ट मीडिया. सो दीज आर यूज्ड इन केस ऑफ डेलिकेट ऑर्गेनिजम्स,
फॉर एग्जाम्पल गौणक ओकाई, मतलब जो कि मतलब जब टाइम लगता है सैम्पल को एक साइड से दूसरी साइड जाने में या फिर लैब जाने में, तो पैथोजेनिक जो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये ओवरग्रो कर जाते हैं इसके ऊपर, इसीलिए मतलब वो जो टाइम पीरियड के लिए हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो अगर हम लोग उसको ट्रांसपोर्ट मीडिया में रख के उसको अगर किसी भी लैब पे लेके जाएं, तो मतलब पैथोजेनिक फैक्टर्स पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स में नॉट ग्रो देयर, राइट। फॉर एग्जाम्पल स्टूअर्ट्स ट्रांसपोर्ट मीडियम, ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है ट्रांसपोर्ट मीडिया का। आप लोगों को ऐसे मतलब क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मीडिया, तो पहला तो आप लोगों को ये लिखना है स्टूअर्ट्स ट्रांसपोर्ट मीडिया, ये जैसे कि गौणकोकाई जैसे ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये मीडिया हम लोग यूज करते हैं, राइट। एंड नेक्स्ट आप लोग ये यूज कर सकते हो बफर ग्लिसरल सैलाइन ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर एंटेरिक बैसिली। एंटेरिक बैसिली को अगर आप लोग किसी भी लैब में या फिर कहीं पे भी अगर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो आप लोगों को क्या करना चाहिए ना, आप लोगों को इसको ट्रांसपोर्ट मीडिया के अंदर डालना चाहिए, ठीक है। बफर्ड ग्लिसरल सैलाइन ट्रांसपोर्ट मीडियम में आप लोग इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। तो ये टू एग्जाम्पल्स है ट्रांसपोर्ट मीडिया में। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाए टू एग्जाम्पल्स, तो आप लोग लिख सकते हो ना, राइट। आई थिंक सो कि आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि ये जो जितने सारे एग्जाम्पल्स मैं बता रही हूँ ना, ये मैं ऐसे ही नहीं बता रही हूँ, बिकॉज दिस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि एटलीस्ट एक एक मीडिया का आप लोगों को टू टू एग्जाम्पल्स याद रखना ही पड़ेगा फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम के लिए, आप या फिर आप लोगों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो आने वाले हैं इसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइज। एंड फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं लास्ट में बट नॉट द लिस्ट, दैट इज द सुगर मीडिया। तो ये सारे मीडियाज़ को देखकर आप लोगों को कंफ्यूज मत होना चाहिए, क्योंकि नाम से ही अगर आप लोग उसको डिफाइन करोगे ना, तो आप लोगों को पूरा याद रह जाएगा। ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, डिफरेंशियल यानी व्हिच हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश, सिलेक्टिव यानी जो सिलेक्टिव मतलब सिलेक्टिव ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में हेल्प करता है, सिलेक्टिव मीडिया इज इक्वल टू एनरिचमेंट मीडियम, तो एनरिच मीडियम भी एक लिक्विड मीडियम होता है व्हिच हेल्प्स टू सिलेक्ट द ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो ऐसे अगर आप लोग याद रखोगे तो आप लोगों को ये जितने भी मीडिया हैं बहुत ही मतलब बिल्कुल ईजी लगेगा। अगर आप लोगों को ये ईजी लग रहा है सच में, तो आप लोग इसको मतलब लाइक कीजिए, आप दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, राइट। तो ऐसे ही मैं आगे वीडियोज़ बनाती रहूँगी।